अस्सलाम वालेकुम याज, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज हम आपके सामने बनाएंगे ग्रिल फिश। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास तकरीबन मैरिनेट की हुई 1 kg फिश है। तो मैरिनेशन का तरीका आपको इस डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो मैंने बिल्कुल डिटेल से आपको कैसे आप फिश को वॉश कर सकते हैं और कैसे इसको मैरिनेट कर सकते हैं तकरीबन 6 से 7 मंथ के लिए, तो आपको बहुत आसानी होगी। जैसे ही गेस्ट आए तो आपने फौरन अपनी फिश रेडी कर ली। फिश को फ्राई भी कर सकते हैं और ग्रिल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ग्रिल में करूंगी। तो हम कैसे इसको ग्रिल करेंगे वो देखते हैं। देखिए, हमने ग्रिल पैन ले लिया है और तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के करीब हमने इसके ऊपर ऑयल डाल दिया है। और ये हमने इसे कुछ फिश के पीसेस हैं जो कि मैरिनेट किए हुए थे, और ये हम इसके ऊपर रखेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने स्किन वाला हिस्सा रखा। देखिए, मैंने ये एक पीस और रख दिया है। तो अब आपने क्या करना है, ऑयल लिया और ऐसे ब्रश के साथ इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऐसे डाल देना है। आगे पीछे से हर जगह से ये ऐसे बन जाएगी, अच्छे से हमारी ग्रिल हो जाएगी। आंच आपने लो रखनी है और तकरीबन 8 मिनट या 7 से 8 मिनट के लिए हम एक तरफ से पकाएंगे, फिर जैसे हमारी पक जाएगी फिर दूसरी तरफ से 7-8 मिनट के लिए हम पका लेंगे। देखेंगे, तकरीबन हमें 8 मिनट हो गए हैं फिश एक साइड से पकाते हुए। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे, इसमें ना रखेंगे। देखें, आराम से एहतियात से करेंगे, स्किन की तरह लग गई है। हम सबकी साइड चेंज कर देंगे। देख कितना प्यारा इसको गोल्डन कलर आ रहा है। सबकी हम साइड चेंज कर लेंगे, एक साइड से पका लेंगे तकरीबन 8 मिनट के लिए। बहुत हल्के हाथ से आपने करना है क्योंकि हमने इसको मैरिनेशन पे पहले रखा हुआ था, नंबर 1 नंबर 2। तो ये बहुत फिश को वैसे हल्के हाथ से पकाते हैं, फ्राई करते हैं ताकि ये टूट ना जाए, ये बहुत सॉफ्ट इसका मेट होता है। तो चलिए, 8 मिनट के लिए हम लो आंच पे यहाँ पे इस साइड से पका लेते हैं। देखिए भैया, हमें तकरीबन 16 मिनट हो गए हैं, मतलब 8 मिनट हमने एक साइड से पकाया, फिर 8 मिनट हमने फ्रेट की दूसरी साइड से पका लिया। और ये देखिए माशाल्लाह, फिश को कितना प्यारा कलर आया है। ये देखें, ये फिश हमारी सीधी साइड से भी बहुत अच्छे से ग्रिल हो गई है और ये बैक साइड से भी, और ये भी माशाल्लाह हमारी बहुत अच्छे से ग्रिल हो गई है। तो स्किन पर स्किन चिपर से हल्का किसी फैलाएँ तो ये आराम से उतर जाएगी, इसकी पैन से उतर जाएगी। अब देखें, हम सारे जो फिश के पीसेस हैं प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी का बैच भी हम फिल कर लेंगे। तकरीबन हमारी सारी फिश जो है ग्रिल हो गई है और सब तरह से कि मसल को कितना प्यारा कलर आया है। तो देखें, जैसे ही देखें यहाँ से आगे कलर, यहाँ से आगे, फिर इसमें इस तरह से आपने इसकी टर्न चेंज करते रहना ताकि हमारा जो है फिश यहाँ से भी कोई कच्ची ना रह सके। बिल्कुल हल्के हाथों से आपने करना है, चारों तरफ से अच्छे से हमारी फिश पक गई। साइड जाएगी थी ना, इस साइड से भी आपने अच्छे से इसको ग्रिल कर लेना। तो अब हम इसको फाइनली के साथ अपनी प्लेट में सर्व करते हैं। देखिए बस, ग्रिल फिश बनके हमारी रेडी हो गई है। तकरीबन 16 मिनट के अंदर हमने अपनी फिश रेडी कर ली है और बाजार से बेहतरीन हमने घर में बनाई है, साफ सुथरे तरीके से बनाई है। और के दिखाती हूँ कि ये देखें, अंदर तक पकी हुई है फिश, बिल्कुल कच्ची नहीं है फिश। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी फेवरेट है तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह मैं नई वीडियो आपके सामने आ जाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।